सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट चैप्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था कि लाइट चैप्टर का आपका एग्जाम भी लूंगा और अच्छे से क्लासेस को दिखाऊंगा। तो मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री भी आपको दिखा दिया। जो बच्चे नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। वी स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चंस। लाइट इज अ ए ऑप्शन इज पावर, एनर्जी, वोल्ट, डी None of this. Okay, light is a power, energy, volt, and none of this. Okay, now the second question is concave mirror. used to see the enlarged image of option number A, teeth, B, nose, C, both, A and B, and D is none of these. Okay, that is question number 2. Now we discuss the question number 3. Side mirror used in our vehicles is option number A, convex mirror, B is concave mirror, C is both means A and B, okay, and D means none of these. Okay, now we discuss the question number 4. The substance through which object can be seen clearly. Option number 1, transparent. Option number B, no. Option number C, translucent. Option number D, yes. Okay, now we start discussion on every question. Okay, first one is light क्या हमारा एक power है या energy है या वोल्ट है या फिर नन ऑफ दिस। इसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। एक ऑप्शन पे बम मारिए, एक ऑप्शन है बम मार दीजिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कॉनकेव मिरर यूज्ड टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ। मारिए गोली मारिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या टिथ है, ऑप्शन नंबर बी क्या नोज है, ऑप्शन नंबर सी क्या बोथ है, ए एंड बी होगा या डी होगा नन ऑफ दिस। एक ऑप्शन पे आपको बम मार देना है, गोली मार देना, छोड़ना नहीं है, सारा पढ़ाया हुआ है एकदम। कमॉन, साइड मिरर यूज्ड इन आवर व्हीकल्स। साइड मिरर जो हमारे गाड़ी में यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है या फिर बी आपका कॉनकेव मिरर होता है, सी बोथ होता है और डी हमारा
none of this. इसमें से एक ऑप्शन पे आपको गोली मारना, बम मारना, जो मारना मारो, लेकिन ऑप्शन सही चुनना है. क्वेश्चन नंबर 4. दिस सबस्टांस ऑब्जेक्ट थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली. उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसके हमें क्या साफ साफ दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, या फिर नो, या फिर ट्रांसलूसेंट, या फिर यस. इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को चुनना. मार दीजिए, गोली मार दीजिए, वेरी गुड. एक बच्चा था, गोली मार दिया, वेरी गुड, मार दो, छोड़ना नहीं है. द ऑब्जेक्ट थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. ऑब्जेक्ट थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. आंसर क्या होगा आपको पता है. ऑप्शन नंबर 1 ओपेक, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर 3 यस, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसलूसेंट. ओके, आपको क्या करना है, एक ऑप्शन पे गोली मार देना है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7. सन इज द एग्जांपल ऑफ, सन इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर ए नॉन ल्यूमिनस, ऑप्शन नंबर बी मैगी, ऑप्शन नंबर सी लुमिनस, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट lateral inversion shown by option number 1 is plane mirror, option number B is concave mirror, ऑप्शन नंबर सी इज कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर डी इज जूनियर जी. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चंस को. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है द ऑब्जेक्ट थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन. द ऑब्जेक्ट थ्रू विच, जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखता है बट साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे, या फिर ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, फिर यस बोलेंगे, या फिर ट्रांसलूसेंट बोलेंगे. तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन पे गोली मार देना है. ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7. सन इज द एग्जाम्पल ऑफ, सन किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 1 नॉन ल्यूमिनस, ऑप्शन नंबर बी मैगी, ऑप्शन नंबर सी ल्यूमिनस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. तो ये चार ऑप्शन में से एक पे गोली मार देना है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लेटरल इन्वर्शन. मैंने आपको बताया था कि लाइट जब हम मिरर के सामने जाते हैं तो हमारा राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है और लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है, मतलब उल्टा दिखता है. तो लेटरल इन्वर्शन शोन बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, सी कॉन्वेक्स मिरर, एंड डी जूनियर जी. तो एक पे गोली मार देना है और छोड़ना नहीं है. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9. वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑप्शन नंबर ए मिरर, ऑप्शन नंबर बी इज वाटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ
दीज। ओके तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बने रहिए, एकदम हिलना नहीं है, स्कूल सावधान सावधान, एकदम स्कूल सावधान विश्राम। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा होगा, मुझे पता है। स्कूल सावधान विश्राम, दाएं मोड़ बाएं मोड़ सीधा लाइन देख, मेक स्ट्रेट लाइन डिस्कशन, नॉट नो डिस्कशन। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। ओके कॉन्वेक्स मिरर इज लुक लाइक, लुक लाइक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ, सनलाइट कितने कलर्स का बना था? सनलाइट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए 8 कलर्स, ऑप्शन नंबर बी 9 कलर्स, ऑप्शन नंबर सी 7 कलर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक, अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लाइट ट्रेवल्स इन अ, ऑप्शन नंबर ए बैंड, बैंड लाइट, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी सही आंसर बना रहे, वेरी गुड। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब मारेंगे हम गोली क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक। स्टार्ट करते हैं गोली मारना, क्वेश्चन नंबर 9 पे गोली मारिए। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑप्शन नंबर ए मिरर, बी वाटर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। एक पे गोली मार दीजिए, वेरी गुड मार दिया बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्वेक्स मिरर इज लुक लाइक, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? मैंने फिगर बनाया, आपको चुनना है, ए में ऐसा फिगर बनाया, बी में ऐसा बनाया, सी में बोला कि दोनों फिगर सही है, डी में बोला कि एक भी सही नहीं है, तो आपको एक पे गोली मारना है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 है, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ, सनलाइट कितने कलर से बना हुआ है? 8 कलर्स, 9 कलर्स, 7 कलर्स एंड नन ऑफ दिस। तो आपको एक पे गोली मार देना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ बैंड लाइट, स्ट्रेट लाइन, बोथ एंड नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? स्ट्रेट लाइन। तो आपको चुनना है, बम मारना है, गोली मारना है, जो ही मारना है मारो, लेकिन एक ऑप्शन को चुनना है। ओके नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, कैन फॉर्म रियल इमेज, बी इन्वर्टेड इमेज, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट एन इमेज दैट कैन बी, एन इमेज दैट कैन बी
obtained that can be obtained on a screen, an image that can be obtained on a screen is called option number one, is called option number one real image. Okay, B inverted image, and option number C is very good, both A and B, and last option is that none of these. Now very good bachcha, very good bachcha, very good mere soldiers. जीत वही है जहाँ पे हार नहीं है, ठीक है, हार के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जीतना पक्का है, 99.9% अपना कोशिश मत करो, 100% कोशिश करो, जीत आपकी पक्की होगी. ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 15. इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑप्शन नंबर ए रियल, बी इन्वर्टेड, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस. ओके, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कनकेव मिरर कैन फॉर्म, कनकेव मिरर जो फॉर्म करता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, दैट इज फर्स्ट वन रियल इमेज, बी इन्वर्टेड इमेज, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस. एक पे गोली मारना, एक पे गोली मारना, छोड़ना नहीं है, गोली मार दीजिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन, वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है इसको बोलते हैं रियल इमेज. ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर बी इज इन्वर्टेड इमेज, एंड ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो आपको एक पे गोली मारना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज रियल, बी इज इन्वर्टेड, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. तो एक पे गोली मारना है, छोड़ना नहीं है, एकदम मार देना है, एकदम एक गोली पक्का, एक ऑप्शन पे सही गोली मारना है, टारगेट पे एकदम मारना है, एकदम सही आंसर पे, छोड़ना नहीं है. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट प्लेन मिरर फॉर्म द इमेज. ऑप्शन नंबर वन इज प्लेन मिरर फॉर्म same size of the image as a object. Okay, B is different, C is both and D is none of these. Okay, so that is question number 16. Question number 17 is that the image which cannot be obtained on a screen is known as option number A virtual image, option B is real image, option number C is both A and B, and option number D is none of these. Okay, so that is question number 17. Now we write question number 18. Question
concave mirror image can be obtained, concave mirror image can be obtained on a option number A, on a screen, option number B, water, option number C, both, and option number D, none of these. Okay, so that is question number 18. Now we write question number 19, but if we start discussion, the question number 16 is plane mirror form same size of the image as object. क्या प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट के जितने साइज होते उतना ही दिखता है. नाउ बी ऑप्शन इज डिफरेंट दिखता होगा. सी बोथ, क्या दोनों सही है, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दिस. बोलते एक भी सही नहीं है, एक पे गोली मारना है, एक पे ज़्यादा पे नहीं, एक पे गोली लगेगा. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन ए स्क्रीन, वैसा इमेज जो ऑप्टेंड नहीं होता है स्क्रीन पे इज नोन एज वर्चुअल इमेज. B option is real image, C is both A and B, and D is none of these. Okay, now we start this discussion on question 18. Concave mirror का जो image है can be obtained, screen पर क्या obtained होगा, water पर obtained होगा, या फिर both पर obtained होगा, water और screen दोनों पर, या फिर none of these पे. ठीक है, तो ये था हमारा question 18. Now we start discussion on question number 19. देखिए बच्चा, जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो दुश्मन की जो आँखें होती है, ठीक है, उस पर आँखों में आँखें डाल के लोग वार करते हैं, बातें करते हैं. तो यहाँ पर आँखों में आँखें डालकर ऑप्शंस पे एक पे आपको टारगेट बनाना है और गोली मार देना है, एकदम उड़ा देना है. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 19 एंड राइट आल्सो. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट मून इज एन एग्जांपल ऑफ, मून इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर ए luminous, option number B non-luminous, option number C both, and option number D none of these. Okay, now we start discussing on question number 20. Question number 20 is that which one is a donated part of eye. मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को अगर हम आँख डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट को डोनेट किया जाता है. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज कॉर्निया, ऑप्शन नंबर B इज iris, option number C is both, and option number D is none of this. Okay, now we start discussion on question number 21 and write also. Question number 21 is different colors of eyes. मैंने आपको बताया था कि बिल्ली जैसी आँखें, ऐश्वर्या जैसी आँखें, जैसे जैसे जो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं आइज़ के, वो क्यों होते हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ आइज़, ड्यू टू ऑप्शन नंबर 1 आइरिस, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. तो यहाँ बोथ में लिखेंगे, बोथ ए एंड बी. ओके, नाउ स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 19 to 21. मून इज एन एग्जांपल ऑफ, मून क्या लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, या फिर दोनों बोथ है, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी, एंड डी क्या हमारा नन ऑफ दिस. तो यू हैव टू शूट ऑन ओनली वन एग्जांपल, एक एग्जांपल में गोली मार देना है. क्वेश्चन नंबर 20 इज विच वन इज अ डोनेटेड पार्ट, कौन सा डोनेटेड पार्ट होता है आई का, जिसमें हमारा एक हमारा कॉर्निया, बी है आइरिस,
सी है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दीज. ओके नाउ वी डिस्कस ऑन क्वेश्चन 21. बी पे 20 पे गोली मार दिए, 20 पे गोली मार दिए, वेरी गुड. एक बच्चा बोला सर मार दिया, वेरी गुड बच्चा, मार दो मार दो, एकदम मार दो, छोड़ना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21 इज डिफरेंट कलर ऑफ आईज ड्यू टू, डिफरेंट कलर जो होता है आईज का क्यों होता है, एक आईरिस के कारण होता है या फिर कॉर्निया के कारण होता है. बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस. तो 21 पे भी गोली मार दिए, वेरी गुड. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया, 22 के तरफ. Splitting of light into its constituent color is known as splitting of light into its constituent color. Splitting of light into its constituent color is called option number A reflection, option number B refraction, option number C both A and B and D none. Okay, both A and B and none of these. Okay, एक option और दूंगा इसमें, that is option number E dispersion. पूरी तरह से कन्फ्यूजन के लिए दिया गया ये ऑप्शन है, ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओ और हो सकता है आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन सीखने मिलेगा. डॉन परी क्वेश्चन नंबर 23. ओके क्वेश्चन नंबर 23 इज दैट साइज ऑफ पीपल इज कंट्रोल्ड बाय, साइज ऑफ पीपल इज कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा कंट्रोल होता है वो देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए रेक्टिना, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड सी शक्तिमान. ओके नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट blind spot present at the junction of optic nerve, option number 1 is optic nerve, at the junction of optic nerve, second one is sensory cell, C is both A and B. Very good, very good. Jai Hind. Question number, option number D is none of these. Okay. बात करें हम क्वेश्चन नंबर 24 खत्म. Now we start discussion till 24. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, 22 क्या बोलता है देखेंगे. Splitting of light into its constituent color. क्या बोलते हैं? First one is reflection बोलेंगे क्या? Refraction बोलेंगे क्या? Both A and B, D is none of these. You have to select only one option. एक option पे गोली मार देना. Okay. Now question number 23 is that size of people is controlled by. Size जो होता है people का कैसे control किया जाता है? Option number one is retina. Option number B is iris. Option number C is both A and B. क्या दोनों सही हैं? ऑप्शन नंबर डी इज, ओके सी हो गया हमारा, डी इज शक्तिमान. ओके तो इसमें से आपको एक ऑप्शन पे गोली मार देना. वेरी गुड बच्चा, मार दिया बच्चा, वेरी गुड. ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, बीज सेंसरी सेल्स, बोथ ए एंड बी, ऑप्टिक नर्व और सेंसरी सेल दोनों के बीच में, और डी इज नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका हो गया. बच्चा सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको भी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनके जो पॉजिटिवनेस है उसको आप सीखिए, समाज में जो जातिवाद ये सब छोड़ के एक रहिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी के साथ
एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार बनिए, बेईमानी मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बेईमानी करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खुद का भी नुकसान है और एक अपना भी दिल जो है गवाह नहीं करता है। इसलिए जो भगवान ने आपको दिल दिया है और जो दिमाग दिया है उसको अच्छे जगह पे यूज़ करेंगे और अच्छा अच्छा सीखेंगे। और जो पॉजिटिवनेस थी सुभाष चंद्र बोस की उसको याद रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो गरम दल के नेता थे। तो ये सब चीज़ें जो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो मैंने भी क्लास 10th में ये पढ़ा था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था, गरम दल के नेता थे और उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और उनकी जो मैं बात बोलूँ तो एक ही लाइन में बोलता हूँ कि मैं उनका खुद ही आइडियल, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चलिए तो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंफर्टेबल डिस्टेंस वन कैन रीड अबाउट। जब हम पढ़ते हैं तो मैंने बताया था कि जो हमारा जो पढ़ने के जो डिस्टेंस होने चाहिए किताब और हमारे आई के बीच में कितना होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 25 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 26। टॉर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लुमिनस, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी नॉन लुमिनस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। ओके, आपको क्या करना है बच्चा, आपको पता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वेरी गुड बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 इज ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लुमिनस, बी नॉन लुमिनस, सी बोथ, बोथ मीन्स ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन इज पिज्जा। ओके, लास्ट ऑप्शन इज पिज्जा। तो अब हम बात करेंगे, डिस्कशन देखेंगे क्या आप बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कंफर्टेबल डिस्टेंस मैंने बता दिया आपको कितना होना चाहिए, वो अपनी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, या टॉर्च इज एन एग्जांपल ऑफ, टॉर्च जो हम जलाते हैं लाइट वाला, वो किसका एग्जांपल है? लुमिनस है, सेल्फ है, सेल्फ मोड है, या फिर नॉन लुमिनस है, या फिर नॉन ऑफ दिस है, सेल्फ मोड। ओके, अभी हम क्या बात कर रहे थे, नॉन लुमिनस और नॉन ऑफ दिस की। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लास किसका एग्जाम्पल है? लुमिनस, नॉन लुमिनस, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज पिज्जा, एंड ई ऑप्शन भी दूंगा यहाँ पे, डेट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। ओके, नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज दैट वाइली पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम पेपर पे कभी आपने देखा भी होगा या आपसे हुआ भी होगा ऐसे बाय मिस्टेक, कभी कभी क्या करते हैं कि ऑयली चीज़ें जो होती है उसको आप लोग पेपर में रख के खा लेते हो, होता है। तो उसको खाने के बाद आप देखते होगे कि उसके ऊपर तेल लग जाता है, क्योंकि पेपर जो होता है एब्जॉर्बेंट होता है, वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। तो उसके बाद जब आप देखोगे तो उसके आर पार क्या दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, उसी के ऊपर बेसिस क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। वाइली पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन नंबर सी
ओपैक ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 इज दैट वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए ओपेक ऑप्शन नंबर बी फ्यूल यूज्ड एज फ्यूल USEDAS ओके थोड़ा इसको साफ लिख देते हैं used as fuels and C is both A and B and last option is none of these okay तो थोड़ा आप इसमें दिमाग लगाना मैंने confuse किया है आपको question number 29 पे इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लिखना question number 30 is very interesting what you want to eat option number A fast food option number B fast food में varieties दे रहा हूँ मैं आपको मैगी समोसा last chop ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 तो आपके मैंने टोटल क्वेश्चन नंबर 30 तक दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक 30 क्वेश्चंस आपके कराए गए हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन पे गोली मार देना है ठीक है चारों ऑप्शन पे नहीं लगेगा टारगेट जब लगाते हैं तो किसी एक ही जगह पे लगता है ना तो यही दिमाग में रखना है कि कोई एक ऑप्शन को टिक करना है कोई बच्चे क्या करते हैं और करके दो ऑप्शन लिख देते हैं वैसे नहीं लिखना ठीक है उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा और एग्जामिनर हो सकता है आपके मार्क्स दे भी दे ऐसा बाय मिस्टेक हो सकता है दे दे लेकिन ऐसा होता नहीं है इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको कोई एक ही आंसर लिखना है और अच्छे से तैयारी करिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चैप्टर आपको क्लास 12 तक मिलेगा लाइट चैप्टर क्लास 12 तक मिलेगा फिजिक्स में मिलेगा पक्का मिलेगा ठीक है तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th के भी कुछ कुछ बता दिए हैं तो उसको भी आप याद रख लो कहीं ना कहीं आपके काम देंगे नॉलेज इस पावर मैंने बार बार बोला है कि नॉलेज गेन करो ये उम्र है नॉलेज गेन करने का मार्क्स तो आगे पीछे होते रहते हैं ठीक है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए बी कंसंट्रेट बी फोकस डी फोकस एंड डोंट वेस्ट योर टाइम थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस बाय बाय टेक केयर